अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक फार्मूला जो था वो ड्राइव किया था, जिसको हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन का नाम दिया था। तो ये बेसिकली जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है एफ एफ एक्स का, इसको कहते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने मैकलॉरिन सीरीज पढ़ी थी ना, तो उसमें अगर हम इसी में कुछ चीज़ पुट कर दें, एक वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये जो टेलर है ये बेसिकली मैकलॉरिन बन जाएगी। ठीक है। तो ये अगर आपको इस फंक्शन में, लेट से मैं कहता हूँ कि इफ अगर ए की जगह जीरो पुट कर दें, तो देन द अबव एक्सपेंशन, देन अबव से मतलब ये वाली जो एक्सपेंशन है, देन द अबव एक्सपेंशन, देन द अबव एक्सपेंशन बिकम्स, क्या बन जाएगी अगर हम एक्स की जगह सिंपल क्या पुट करें, सॉरी ए की जगह जीरो पुट करें। तो चलिए ए की जगह जीरो पुट करके देखेंगे। यहां पर ठीक है, हर जगह ए की जगह जीरो पुट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या है। सॉरी, यहां पर ठीक है, ए की जगह हमने पुट करना है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमें जो आंसर मिलेगा या जो फंक्शन की नई फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ जीरो एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन प्लस एफ एन एन फैक्टोरियल एक्स एन अप टू सो ऑन। ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, जहां जहां ए था वहां हमने जीरो पुट कर दिया, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। देखिए ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह जीरो पुट करें तो ये आपके पास एफ ऑफ प्राइम जीरो एक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और ये बेसिकली क्या है, यही तो हमने पढ़ा था कि ये मैकलॉरिन सीरीज है। तो विच इज द मैकलॉरिन सीरीज, विच इज द Which is the Maclaurin series for f at x is equals to 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें कुछ और करेंगे कि रिप्लेसिंग x बाय एक्स प्लस एच एंड ए बाय एक्स एंड ए बाय एक्स द एक्सपेंशन इन ए। ए हम किसको कह रहे हैं, ये हमारे पास ए है। चलिए ठीक है। द एक्सपेंशन इन ए बाय एक्स, द एक्सपेंशन इन ए द एक्सपेंशन इन ए कैन बी रिटन एज कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एच स्केयर प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एच क्यूब अप टू सो ऑन प्लस एफ एन टाइम एक्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एच एन अप टू सो ऑन। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि आपके पास ये जो है ना, एक्स की जगह आपने एक्स प्लस एच पुट करना है, और ए की जगह हमने पुट किया, यहां पर ए की जगह हमने पुट किया एक्स। ठीक है। ए की जगह एक्स पुट किया और एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट किया, तो जो नई हमारे पास फॉर्म आई है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक हो गया। और इसको हम यहां पर बी कह देते हैं। ठीक हो गया। द एक्सपेंशन इन बी, द एक्सपेंशन इन बी, द एक्सपेंशन इन बी
इज टर्म एज इज टर्म्ड एज टेलर्स थ्योरम टेलर्स थ्योरम एंड कैन बी स्टेटेड एज कैन बी स्टेटेड एज इफ इफ एक्स एंड एच आर इफ एक्स एंड एच आर टू इंडिपेंडेंट आर टू इंडिपेंडेंट आर टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग असेंडिंग पावर ऑफ एच पावर ऑफ एच एज एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एच स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एच एन अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन थी बी में, इसको क्या कहा जाता है? टेलर थ्योरम कहा जाता है। यही बेसिकली हमारे पास टेलर थ्योरम होगा एंड इट कैन बी स्टेटेड एज इफ एक्स एंड एच आर टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, अगर एक्स और एच जो हो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो और एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एच। असेंडिंग पावर ऑफ एच का मतलब क्या है कि पहली पावर उसकी इधर लेट से कुछ भी नहीं है, तो एच की पावर 0 है, एच की पावर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन। असेंडिंग मतलब क्या, वो बिलतरतीब बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।